तो हेलो भाई, मैं हूँ अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज बात करने वाले हैं माइलेज से रिलेटेड। भाई देखो, 21.2 माइलेज मीटर में दिखा रहा है, एंड मैंने एक भाई पोस्ट किया था जिसमें मेरी गाड़ी दिखा रही थी 32 point something। ठीक है, तो वो गाड़ी में ऐसा था कि भाई उसमें मैं बिल्कुल ही एक्सलरेट नहीं कर रहा था, मीटर रीसेट था और मैं ऑलमोस्ट टर्बो के अंदर अंदर ही गियर शिफ्टिंग कर रहा था, और गाड़ी की स्पीड आपने जैसे कि नोटिस की होगी ऑलमोस्ट 40 से 50 थी। बट आज बात करेंगे सिटी में माइलेज लेने का बेस्ट ट्रिक क्या रहेगा। अभी करते हैं मीटर को रीसेट, एंड एक्चुअल में ये बहुत इजी है, रियलिटी बताऊं तो। अब देखो मैं बताता हूं आपको, अब जैसे गाड़ी चली है 83,958, ठीक है, और माइलेज की बात करें 21.2 अभी शो कर रही है करंटली। भाई अपना जो मेथड रहने वाला है वो भाई मीटर से ही रहने वाला है। अभी भाई गाड़ी में हाल ही में रिजर्व लाइट लगी है और अभी फ्यूल स्टेशन थोड़ा दूर है, तो भाई मेरे को टाइम लग जाएगा, दैट्स वाई मैं अभी तो मीटर टू मीटर एक बार को चेक करवा रहा हूँ। तो भाई मैंने जो फील किया है कि भाई जो ऑन एन एवरेज सिटी में इसका माइलेज जो रहता है, अगर तरीके से चलाएं तो 18-19 का रहता है, बट जो मीटर में दिखाता है उसमें आप डिफरेंस करो कि भाई कितना रहेगा। मेरा 18 से 19 से बीच में रहता है, ठीक है। 85 PS डस्टर रेनॉल्ट की भाई डीजल में है, और तो और भाई 2014 मॉडल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखना फर्स्ट गियर में डाली गाड़ी को। एंड मेरी जो गियरिंग मेथड रहेगी वही मैं एक्सीलेटर बहुत कम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई इससे क्या होता है टर्बो की रेंज में जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। जब गाड़ी टर्बो की रेंज में चली जाती है उसके बाद में माइलेज नहीं मिलता। अगर टर्बो की रेंज की बात करें, हर गाड़ी में ऑलमोस्ट 1.5 से 2,000 RPM के बीच में होती है, बट इसमें अब देखो 1,500 RPM आई सेकेंड गियर, इसमें 1,500 RPM आते ही गाड़ी का भाई टर्बो किक इन हो जाता है, क्योंकि 85 PS में ये वाली दिक्कत आपको फील होगी। थर्ड गियर एंड सामने गाय आई, ठीक है। तो मतलब भाई ये एक टाइप से बम्पर टू बम्पर ही रहने वाला है बेसिकली। देखो चलता ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा, एंड आगे सिग्नल भी है, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा माइलेज। तो सिटी में बेस्ट माइलेज लेने का तरीका बताने वाला हूँ। एंड हाईवे पे तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, अगर 60 से 70 पे क्रूज करो या फिर 80 तक भी क्रूज करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 25+ डस्टर देती है, ठीक है। फोर्थ गियर है एंड देन आगे स्पीड ब्रेकर, भाई सिटी का मामला है पूरा। अभी गाड़ी मुश्किल से 40 भी नहीं टच हुई और सामने स्पीड ब्रेकर, बट मेरी गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथली एंड इस टाइप से रहने वाली है, तो वो हर किसी का चलाने का मेथड रहता है। मेरी गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ रहती है। अब थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है एंड कोई बोलता है लोड बढ़ता है, भाई अगर गाड़ी ओवर गियर हो तब लोड बढ़ता है, ठीक है। आप 1,500 पे अगर RPM पे गियर चेंज कर रहे हो एंड बार बार डाउन शिफ्ट कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आती। एंड मोटा मोटी अभी गाड़ी चल रही है चौथे गियर में और माइलेज शो कर रहा है 16.6 का एंड 16.9, ये मतलब जब भी कांस्टेंट गाड़ी चलेगी तो ये भाई बढ़ता जाएगा। एंड 17.8, 18.1 एंड फोर्थ गियर में 40 की स्पीड, ठीक है, कोई खास ज़्यादा स्पीड नहीं है, 19.2। भाई माइलेज बहुत प्यार से मिलता है अगर आप गाड़ी को चलाते हो तो। एंड अभी AC ऑफ है क्योंकि भाई सुबह का मौसम है और भाई अपने यहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है कि भाई अपन को AC चालू करनी ही करनी पड़े। अभी मैंने किया AC को ऑन ताकि आपको आइडिया रहे कि AC में कितना रहता है। अभी 21.2 अगेन शो कर रहा है, वो जो पहले शो कर रहा था वो भी बम्पर टू बम्पर था, बट हाँ वो एवरेज हो गया था कि भाई हाँ पिछले 100 किलोमीटर से वो इतना माइलेज एवरेज दे रही थी 21.2। मोटा मोटी माने तो 19 से 20 का आप मान के सकते हो, ठीक है, मान सकते हो कि भाई 19 से 20 का दे सकती है। लेकिन भाई जहाँ तक मेरा जो कन्फर्म आइडिया है, मैंने जो अपने तरीके से ट्राई कर रखा है, वो गाड़ी देती है मोटा मोटी एवरेज 17 से 18 के बीच का, या फिर 19 तो मैक्सिमम टच होती है, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 23.8 मीटर में शो कर रहा है एंड इसका मेन तरीका आपको है भाई टर्बो की रेंज में गाड़ी को आने ही मत दो। अब ये ठीक है, आप देख सकते हो सर्कल है, ठीक है, एंड अभी सिग्नल स्टार्ट नहीं हुए इतनी जल्दी, तो भाई ऑलमोस्ट जिसे बोलते हैं ना भाई बम्पर टू बम्पर उसी टाइप का ट्रैफिक है, कोई ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक ट्रैफिक आपको देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी शो कर रही है एंड भाई 25 का शो कर रही है एंड इतना नहीं दे सकती, 24.3 अब शो कर रहा है। तो भाई माइलेज का खेल सारा ये जैसे चलाओगे वैसा मिलेगा, ठीक है, कोई रफ एंड टफ चलाएगा भाई, जैसे बोलते हैं रफ भाई फुल्ली एक्सीलेटर देना और भाई 2,000-2,500 पे चेंज करना मतलब गियर्स को, तो भाई गाड़ी माइलेज नहीं देती, ये कंफर्म कर लो कि भाई माइलेज लेना है चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, इस RPM रेंज में 1.5 से 2,000 के बीच में ही चेंज कर लो तो भाई गाड़ी माइलेज देगी। कैसे नहीं देगी भाई, क्योंकि भाई उसको टर्बो रेंज में आने ही मत दो। अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करें उसका किस्सा भी सेम सही रहता है, क्योंकि भाई जब गाड़ी ज़्यादा रेव करती है तो गाड़ी फ्यूल भी ज़्यादा पीती है
और स्पीड गेन नहीं कर पाती। आप सोचते हो ना भाई ज्यादा रेव करने से स्पीड एकदम से पकड़ रही है गाड़ी, तो भाई वो भाई मन का वहम है। अब भाई 25 पॉइंट कुछ दिखा रही थी, ठीक है, अब वापस 24.3। मैं एवरेज मान के बैठा हूँ, इसमें मीटर में आएगा भाई जहां तक मेरी डेस्टिनेशन है फ्यूल पंप वहां तक पहुंचूंगा, उसमें ये मोटा मोटी मेरे को 22 तक का शो करेगी, क्योंकि भाई बीच में ट्रैफिक भी है और इससे ज्यादा ट्रैफिक हमारे एरिया में नहीं रहता, और थोड़ा सा दिन में होगा तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। एंड मैक्सिमम हमारी जो रनिंग है वो इससे भी भाई बहुत खुली रोड्स पे रनिंग है, यही रीजन है मेरी गाड़ी माइलेज देती है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप भाई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई गाड़ी इतना माइलेज दे ही नहीं सकती, वो जो 30+ बता रही थी। तो भाई मोटा मोटी यही किस्सा है, मैं इस तरीके से चलाता हूँ गाड़ी, मेरा कोई वो सीन नहीं है कि भाई मैं हाई एक्सेलेरेटर कर रहा हूँ और भाई गाड़ी को बिल्कुल मार रहा हूँ गाड़ी को। मैं बहुत पोलाइटली चलाने वाला बंदा हूँ, या फिर कह लो मेरे फादर साहब भी इसको बहुत पोलाइटली एंड एक जिसे बोलते हैं ना एक तरीके से चलाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी को रफ एंड टफ की मतलब कि ऊंची गाड़ी तो रफ एंड टफ चलाते रहो एंड भाई हायर आरपीएम पे गियर चेंज करते जाओ, भाई ये गलत रहता है, ये अपने लिए भी भाई पॉकेट पे गलत है और गाड़ी के नेचर के लिए। अभी मैंने एक्सेलेटर ऑलमोस्ट ना के बराबर टच कर रखा है एंड 25 का शो करिए, 40 की स्पीड है, और भाई अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ 25.6 है भाई, ये होता है अगर आप नॉर्मली चलाते हो इस टाइप की रोड्स पे तो आपको गाड़ी माइलेज देती है, ठीक है। मीटर में चेक कर लो, आप टैंक टू टैंक भी मेजर कर सकते हो, अगर ऐसे ही क्रूज करते जाओ ऑलमोस्ट 40 से 50 किलोमीटर एंड देन फिर अगेन रिफिल कराते हो, तो अगर बात करें भाई जो मतलब मोटा मोटी जो तरीका रहता है ना भाई माइलेज चेक करने का एक्यूरेट मेथड, टैंक को कराओ फुल टू मतलब कि एकदम फुल एंड देन 40 से 50 किलोमीटर इसी तरह क्रूज करके चलाओ एंड देखो कि मैक्सिमम कितना दे सकती है, वापस फिल करवा लो, तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना जला है फ्यूल एंड देन भाई कितना कुछ अपना अपनी जेब पे कितना भारी पड़ सकती है। तो भाई खेल सारा ये है कि भाई अपन किस तरीके से गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी को किस तरीके से रख रहे हैं, तो माइलेज उसी तरीके से शो करता है। अब बात करें थर्ड गियर में, गाड़ी 30 की स्पीड है, 1500 RPM अब टच होने वाला है और मैंने गियर शिफ्ट कर दिया। चौथे गियर में 40 की स्पीड, 25.6 का माइलेज और क्या ही लेंगे, ठीक है। अगर इसमें से ऊपर के 5 भी हटा दें तो भी भाई 20 का माइलेज ये इजीली दे सकती है 85 PS इंजन के साथ। अगर यहीं बात करें 110 PS वाली, उसमें भी मैं माइलेज निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन भाई दिक्कत ये आती है 110 PS में भाई टर्बो बहुत ऐसा है ना, टर्बो में आने के बाद में रेंज टूट जाती है एंड जब तक टर्बो में नहीं आती तब तक तो माइलेज बहुत शानदार देती है गाड़ी। तो मोटा मोटी किस्सा सारा ये है। सो ऑल ओवर अगर आप प्यार से चलाने वाले बंदे हो तो गाड़ी कोई सी भी हो माइलेज तो देगी, बट हाँ अगर आप गाड़ी की कदर ना करके उसको रफ चलाओगे तो गाड़ी कोई सी भी माइलेज नहीं देगी, ये मोटा मोटी किस्सा है मेरा, ठीक है। तो यही रीज़न है माइलेज इतना देती है। अभी जस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं, उसके बाहर ही मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई माइलेज एक्चुअल में शो कितना कर रही है। अभी बात करें 26.3 एंड मुझे जहां तक आइडिया है बहुत प्यार प्यार से अगर इसी तरह चलाता रहा तो ये 30 टच कर जाएगी अगेन। ये सिटी में आप देख सकते हो, कोई मैंने हाईवे पे नहीं चलाई है अभी, क्योंकि मैंने इसमें ब्रेक भी किए, जंप से भी निकाली और आगे क्रॉसिंग भी थी, तो अब देखो सामने और बैरिकेड्स वगैरह आने वाले हैं, तो आप देख सकते हो यही कंडीशन होती है अगर आप गाड़ी प्यार से पांचवे गियर में 50 की स्पीड पे चला रहे हो, ठीक है, पोलाइटली चला रहे हो तो गाड़ी माइलेज देगी, ठीक है। किस्सा सारा ये 27 का शो करिए, देख लो ये रियलिटी है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि भाई इतना नहीं दे सकती, तो ये ऑन मीटर है आपके सामने, मैंने मीटर का दिखाया था तो मीटर ये रहा आपके सामने 27 का, 2 का लेस भी कर दो तो भाई 25 का माइलेज ये भाई कोई खराब माइलेज नहीं माना जाता एंड इतनी बड़ी गाड़ी के लिए तो मैं तो मानता हूँ 17-18 का माइलेज भी कम नहीं है, 27.7 आ गया एंड भाई 27.7 का माइलेज अगर गाड़ी शो कर रही है तो भाई आप समझो किस नेचर की गाड़ी है ये, ठीक है। लोग इसको बदनाम करते हैं कि भाई ये गाड़ी माइलेज नहीं देती, रिलायबल नहीं है, भाई 4 से 5 हज़ार किलोमीटर तो मैंने चलाया है, अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा इशू आया नहीं। मैंने क्या कुछ खर्चा किया वो बात कर लेते हैं, ठीक है, वो एक मतलब कि एक सेपरेट जिसे बोलते हैं ना भाई, मेरे को जो खर्चा करना पड़ा, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी लेने से पहले भी, बट फिर भी मेरे को ये कुछ चीज़ें खर्च करने पड़े, ठीक है। तो उससे पहले ये देख लो 27.7, ठीक है, और डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट आने वाली है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ट्रैफिक से निकला हूँ, अब आप देख सकते हो कोई मैंने कोई हाईवे नहीं पकड़ा है एंड इतना माइलेज, और मैंने वो माइलेज दिखाया था आपको हाईवे पे प्योर क्रूजिंग जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल कोई बंदा ही नहीं था, ना बंदे की जात, बिल्कुल खाली रोड पे चल रही थी गाड़ी एंड मैं क्रूज कर रहा था ऑलमोस्ट 60 के ऊपर, फोर्थ गियर अराउंड 40 की स्पीड और फिफ्थ गियर में गाड़ी बहुत प्यार से चल रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, 50 से 55 की स्पीड जैसे बोलते हैं ना, 50 to 55 की स्पीड
वो चल रही है, ठीक है। तो सीन सारा ये है, तो 27.0 वापस आ गई है ये भाई। माइलेज अप डाउन होता रहता है, जैसा अपन चलाएंगे वैसा माइलेज देगी। अगर मैं इसी तरह से चलाता ही रहा और शुरुआत से लेकर एंडिंग तक, तो भाई मैं 25 प्लस माइलेज इससे निकाल लूंगा ऑन सिटी, ये मेरे को सियोरिटी है। और अगर मैं बम्पर टू बम्पर बिल्कुल फंस ही गया, ट्रैफिक सिग्नल्स पे मेरे को रुकना ही पड़ गया, उस कंडीशन में भी मैं मान के चल रहा हूँ 22 तो मीटर में शो करेगी करेगी, ऑलमोस्ट 22। अब भाई ये माइलेज बुरा नहीं होता, तो खेल सारा ये है। अगर माइलेज निकालना है ये कुछ बातें ध्यान में रखो। एंड इसमें एक चीज़ बहुत शानदार लगी, डस्टर की रिजर्व की लाइट लगने के बाद में भी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर इजीली चलती है, ठीक है। तो अगर कोई सोचता है ना भाई कि दिक्कत आएगी करेगी, अब फर्स्ट गियर में है गाड़ी, अब स्लोली मैंने एक्सेलेटर नहीं दिया, बिल्कुल स्लोली उठाई, मैं क्या करता हूँ अराउंड 2000 RPM सेकेंड गियर, ठीक है। ये तो नॉर्मली जो तरीका रहता है वो है, ठीक है। अब मैं जो एक्चुअल में रियलिटी में करता हूँ वो ये है, फॉर एग्जांपल सेकेंड गियर में हल्का सा रेव किया, अराउंड मैं 2000 के आसपास आता हूँ, और लोग सेकेंड से थर्ड लगाते हैं 2500 पे, मैं सेकेंड से फोर्थ लगाता हूँ, दिक्कत ये है मेरी, ठीक है। तो मैं एक गियर को बीच में जो इसे बोलते हैं ना मैच डाउन करता हूँ, ये मेरी हैबिट है। मैं फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फिफ्थ, ये इस टाइप की गियरिंग करता हूँ मेनली मोटा मोटी। बाकी हाँ कहीं बम्पर टू बम्पर या फिर कहीं फंस के चल रहा हूँ उस कंडीशन में ये चीज़ मैं नहीं करता, एंड 26.3 का माइलेज शो कर रही है। तो मोटा मोटी ये माइलेज गाड़ी देने वाली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।